हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। सो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो चुका है। ओके, सो आज हम क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट वाले ही करेंगे, बाकी के कल करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ए फूड स्टफ गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो बेटा ऐसे फूड का नाम बताना है जो कि ब्लू ब्लैक कलर देता है, किसके साथ? आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, और क्या कह रहा है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इंडिकेटेड बाय दिस टेस्ट। और बेटा देखो, पेज निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे दे रखा है इसका टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट इन फूड। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये एक पोटैटो है, पोटैटो पे ये आयोडीन का सॉल्यूशन अगर हम डाल दें, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, अगर इस पर हम डालेंगे तो इसका जो कलर है ना बेटा, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। ओके, इससे पता चलता है कि पोटैटो के अंदर क्या है, स्टार्च होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको समझिए। क्वेश्चन ये है कि नेम ऑफ फूड स्टफ, एक ऐसे फूड स्टफ का नाम बताओ जो कि ब्लू ब्लैक कलर देता है, किसके साथ? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। तो बेटा ऐसे कोई से भी फूड का नाम लिख सकते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि राइस है, सीरल्स है, पोटैटो है। तो बेटा यहाँ पर एक ही पूछ रहा है, तो आपको केवल एक बताना है और वो हम लिख सकते हैं पोटैटो। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा? पोटैटो। दूसरा पूछा है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इंडिकेटेड बाय द टेस्ट। और बेटा इस टेस्ट में क्या चीज़ चेक हो रही है, कैसे, मतलब किस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं हम इसमें? बेटा हम टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च को, कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च। उसके अंदर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, एक ही बात है, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो इसके अंदर पाया जाता है कि नहीं, ठीक है। तो हम सेकंड में क्वेश्चन क्या लिखेंगे, स्टार्च इज द फूड कंस्टिट्यूएंट इंडिकेटेड बाय दिस टेस्ट। तो नेम की जगह हमें क्या लिखना है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ आपका, सेकेंड वाला देखते हैं। ये है बेटा यहाँ पे, नेम द सॉल्यूशन विच कैन बी यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड। तो बेटा ऐसे आयोडीन, ऐसे सॉल्यूशन का नाम बताना है जो कि स्टार्च के टेस्ट में यूज़ किया जाता है। तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन का नाम है ये रहा, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, यहीं पे लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है इधर, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ये इसका आंसर होगा, तो आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, विच विटामिन इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। तो बेटा गर्म करने से अगर जो खाना जो होता है उसको हम ज़्यादा देर पकाते हैं, तो वो को करने से कौन सी विटामिन है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है? तो बेटा इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये वाला सेक्शन है, अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड इजीली बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो बेटा ज़्यादा गर्म करने से खाने को जो है विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, जवाब मिला गया इस क्वेश्चन का, सेकंड थर्ड वाले का, इसका है आंसर विटामिन सी। ओके, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला देखो, आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ लिटिल ऑफ फूड मटेरियल इज रब्ड इन द सेंटर ऑफ अ पेपर। को बेटा पेपर है, ठीक है, और कोई फूड थोड़ा सा लेकर के उसके सेंटर पे ऐसे रगड़ा जाए, ठीक है, एंड देन द पेपर इज हेल्ड टुवार्ड्स लाइट, और उस पेपर को लाइट की तरफ किया जाए, ए ब्राइट ग्रीसी पैच ट्रांसलेंट पाथ पैच इज ऑब्जर्व। तो बेटा वो उस कागज़ में होकर के आर पार दिखाई देने लगता है, नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड इंडिकेटेड बाय दिस टेस्ट। तो बेटा ऐसा कौन, तो इससे हम क्या चेक करते हैं, फैट। तो बेटा फैट को चेक करने के लिए, फैट को टेस्ट करने के लिए वही तरीका होता है, अब वीडियो में मैंने बताया था और करके भी दिखाया था आपको प्रैक्टिकली, है ना? तो इसका आंसर होगा फैट। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हेन द सस्पेंशन ऑफ अ फूड स्टफ इज मेड एल्कलाइन बाय एडिंग अ लिटिल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड देन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आर एडेड, ए वॉयलेट कलर इज प्रोड्यूस।
नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए फूड इंडिकेटेड बाई दिस टेस्ट। तो इस टेस्ट में बेटा कौन सा फूड कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कौन सा कंपोनेंट चेक किया जाता है इस तरह से। तो बेटा इस तरह से चेक करने के लिए हम तरीका, ठीक है, क्या चेक करते हैं ऐसे करके मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो बेटा इस तरह से चेक करने का तरीका होता है प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोटीन। तो किसी फूड में अगर हमें प्रोटीन चेक करनी हो तो बेटा हम इसी तरह से चेक करते हैं। तो इसका आंसर आएगा प्रोटीन फाइबर लिखा। ओके, अब देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 यह लिखा हुआ है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है बेटा इसमें। ए बैलेंस्ड डाइट इज द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑक्यूपेशंस। जो बैलेंस डाइट जो होती है बेटा, सबकी बैलेंस डाइट एक जैसी होती है क्या, चाहे वो बच्चा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, या फिर ऑक्यूपेशन कोई भी काम करता हो, चाहे वो कंप्यूटर पे बैठे, चाहे पूरे दिन खेत में काम करे, चाहे पढ़ाई करे, कुछ भी काम करे, ठीक है, चाहे टीवी देखता रहे, चाहे पढ़ाई करे, तो क्या सबका बैलेंस डाइट एक जैसा होगा? नहीं बच्चों, ठीक है। आप काम कैसा करते हो, ठीक है, आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग आदमी का अलग अलग बैलेंस डाइट होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स हुआ। ओके, 7 वाला देखो। नेम द न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिएंट्स हुज डेफिशिएंसी, जिसकी कमी से बेटा, आपको ऐसे न्यूट्रिएंट का नाम बताना है हुज डेफिशिएंसी यानी जिसकी कमी से कॉजेस मैरास्मस डिजीज इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में मैरास्मस हो जाता है, एक बीमारी के नाम है बच्चों मैरास्मस। तो बेटा ये है प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आपको याद नहीं हो तो ये रहा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। तो बेटा कौन सी है, मैरास्मस। तो शरीर इसमें बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, हड्डियाँ दिखने लग जाती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की कमी से और प्रोटीन दोनों की कमी से ये होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी रहती है शरीर में और ना ही शरीर बड़ा हो पाता है, ठीक है। तो मैरास्मस बीमारी में दोनों, ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी की वजह से होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, दोनों लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, 8 वाला। नेम द न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट्स हुज डेफिशिएंसी कॉजेस क्वाशियरकोर। तो बेटा क्वाशियरकोर में कौन सी बीमारी हो जाती है, मतलब किसकी कमी से क्वाशियरकोर होता है। बेटा इसका आंसर आएगा प्रोटीन। तो आप देख लोगे भले ही क्वाशियरकोर वाले सेक्शन में जा करके। वॉट इज द कॉज ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। तो बेटा स्कर्वी जो है क्यों होती है, किसके कारण स्कर्वी होती है। तो देखो बेटा, तो बेटा विटामिन सी की कमी से, देखो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। तो बेटा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, आंसर तो बस इसका विटामिन सी लिखना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, नेम टू डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। बेटा आयोडीन की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से कौन से दो रोग हो जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो दो रोगों के नाम इसमें बताने हैं, ठीक है, एक तो है क्रिएटिनिज्म और दूसरा जो है, ठीक है, वो है यहाँ पे बताएंगे अभी, दो बीमारी हो जाती हैं यहाँ पे, गोइटर। ओके, यहाँ पे देखो ऊपर ही ऊपर लिख रहा है क्रेटिनिज्म और गोइटर, तो दोनों नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से हो जाती है, क्योंकि आप लिख रहा है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा 11th वाला, इफ ए पर्सन लुक्स पेल, गेट्स टायर्ड इजीली, लूज वेट एंड हिज नेल्स टर्न वाइट, ठीक है, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज ही सफरिंग फ्रॉम। तो बेटा उसको कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो बेटा इससे एनीमिया कहते हैं, खून की कमी से होती है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, लुक्स पेल, फील्स वेरी वीक, टायर्ड इजीली, लूज वेट, तो टर्न्स वाइट नेल्स, तो ये कौन सी बीमारी, मतलब बेटा इसको कहते हैं एनीमिया, एनीमिया, ANAEMIA, एनीमिया, खून की कमी से होती है बेटा ये, ठीक है। और ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से, आयरन मिनरल होता है, उसकी कमी से बीमारी होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th वाला, फिल इन द फॉलोइंग
ब्लैंक्स ये करना करवा रहा है इसमें। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट कॉजेज अ डिजीज नोन एज, आयरन की कमी से अभी मैंने बताया आपको एनीमिया हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा एनीमिया, स्पेलिंग आप देख लेना जा करके, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज कैन प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हाँ, बैलेंस डाइट लीजिए, कोई भी बीमारी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही है, इतने सारे क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं, ठीक है। तो कल मैं बताऊँगा आपको बेटा ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, इनके आंसर्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।